बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। चैप्टर नंबर 3 इंटीग्रेशन, और हमने जो टॉपिक स्टार्ट किया हुआ है वो है इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स। इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स, और इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स हम कब यूज करते हैं? जब दो फंक्शंस का प्रोडक्ट हो और उसकी हमने इंटीग्रेशन फाइंड करनी हो, ठीक है, और वो दो फंक्शंस में से कोई एक फंक्शन दूसरे का डेरिवेटिव ना हो, ठीक है, तो तब हम इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स का फार्मूला यूज करते हैं। इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स का फार्मूला मैं यहाँ पर वर्ड्स में लिख देता हूँ, ठीक है, पहले बल्कि दोनों तरह से मैं लिख देता हूँ। सपोज हम कहते हैं कि पहला फंक्शन एफ ऑफ एक्स है, दूसरा फंक्शन एफ जी प्राइम ऑफ एक्स है, ठीक है, तो इसकी इंटीग्रेशन विद रेस्पेक्ट टू एक्स किसकी होगी? पहला फंक्शन एज इट इज एफ ऑफ एक्स, दूसरे फंक्शन की इंटीग्रेशन माइनस का साइन, फिर इंटीग्रल का साइन, और दूसरे फंक्शन की इंटीग्रेशन और साथ में पहले फंक्शन का डेरिवेटिव मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है, और साथ में dx भी डाल देते हैं। चलिए ये ब्रैकेट हम नहीं डालते हैं, तो यहाँ मैं dx लिख देता हूँ। ये है फार्मूला इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स का। अब मैं ऐसा करता हूँ कि इसको मैं वर्ड्स में भी लिख देता हूँ, ठीक है। फर्स्ट फंक्शन एफ यू एन सी मैं यूज करूंगा फंक्शन के लिए, फर्स्ट फंक्शन इनटू सेकंड फंक्शन, और इसका हमें क्या लेना है? डेरिवेटिव इंटीग्रेशन फाइंड करनी है, ठीक है, जो कि इक्वल होगा फर्स्ट फंक्शन इनटू इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड फंक्शन के लिए मैं मल्टीप्लाई का साइन डाल देता हूं, ये मल्टीप्लाई का साइन है, ठीक है, फर्स्ट फंक्शन इनटू इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड फंक्शन माइनस का साइन, मैं यहां नीचे लिख देता हूं, ऊपर जगह नहीं थी, ठीक है, तो माइनस का साइन, उसके बाद इंटीग्रल साइन और इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड फंक्शन, और साथ में मल्टीप्लाई होगा फर्स्ट फंक्शन का डेरिवेटिव, डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट फंक्शन, ठीक है, साथ में dx यहां पर आ जाएगा, तो ये हमारे पास बनता है इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स। मैंने इसको मैंने लिख दिया वर्ड्स में भी, ठीक है, तो अब हम ऐसा करते हैं कि कोई एग्जांपल सॉल्व कर लेते हैं जिसमें हम बाय पार्ट्स अप्लाई कर सकें। तो एक एग्जांपल मैं यहाँ पर लिखता हूँ, सपोज हमारे पास एक यानी कि प्रोडक्ट ऑफ टू फंक्शंस है x इंटू ई रेस्ट पावर x, x इंटू ई रेस्ट पावर x, अब यहाँ पर फर्स्ट फंक्शन x है, ठीक है, और सेकेंड फंक्शन हमारे पास ई रेस्ट पावर x है, ये दो फंक्शंस आपस में क्या हो रहे हैं? मल्टीप्लाई हो रहे हैं, मतलब कि हम इसको कह सकते हैं प्रोडक्ट ऑफ टू फंक्शन है, और इसमें से आप देखें कि कोई एक फंक्शन दूसरे फंक्शन का डेरिवेटिव नहीं है, यानी कि ई पावर एक्स का डेरिवेटिव फाइंड करें तो ई पावर एक्स आता है, एक्स नहीं आता, ठीक है, तो यहाँ पर जो एक्स है ई रेस पावर एक्स तो नहीं है, अगर एक्स का डेरिवेटिव फाइंड करें तो वन आता है, यहाँ पर ई पावर एक्स है, यानी कि कोई भी एक फंक्शन एक दूसरे का डेरिवेटिव नहीं है। अच्छा, अब इसका हमने जो है इंटीग्रल फाइंड करना है विद रेस्पेक्ट टू एक्स, जो कि इक्वल होगा फर्स्ट फंक्शन एज इट इज हम लिखेंगे, क्योंकि फर्स्ट फंक्शन क्या है यहाँ पर x है, तो मैं अब दोबारा से उस तरह से स्टेप बाय स्टेप नहीं लेकर चल रहा, मैं सिर्फ जो है ऊपर से मैं फार्मूला देखूंगा और मैं लिखता जाऊंगा, ठीक है, तो फर्स्ट फंक्शन एज इट इज है, ठीक है, एफ ऑफ x या फर्स्ट फंक्शन इस तरह ये लिखा हुआ वर्ड्स में भी, तो हम x को उसी तरह से लिखेंगे, क्योंकि x क्या है इसको मैं कह देता हूँ कि डिफरेंट कलर चलेंगे यूज कर लेते हैं, इसको हम कहते हैं फर्स्ट फंक्शन, ठीक है, ये है फर्स्ट फंक्शन, एक्स जो है वो क्या है? फर्स्ट फंक्शन, या फिर हम इसे कह सकते हैं एफ ऑफ एक्स। उसके अलावा ई पावर एक्स फिर क्या है? ई पावर एक्स जो है जी प्राइम ऑफ एक्स है, अगर आप इससे कंपेयर करें,
ठीक है, ये मैं इससे कंपेयर कर रहा हूँ, तो x जो है f of x है, e power x क्या है, g prime of x है, और e power x को अगर हम इससे कंपेयर करें वर्ड्स, तो वर्ड्स में हम इसे कह सकते हैं सेकंड फंक्शन। चले अब यहाँ पर मैं लिख रहा हूँ f of, पहले तो लिख लिया हमने x, लिख लिया फर्स्ट फंक्शन एज इट इज हमने हमारा आ गया, ठीक है x, उसके बाद क्या है इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड फंक्शन, ये है इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड फंक्शन। चले इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड फंक्शन इसके साथ मल्टीप्लाई हो जाएगी, तो सेकंड फंक्शन हमारे पास क्या है e पावर x, उसकी इंटीग्रेशन क्या होगी, e पावर x की इंटीग्रेशन e पावर x ही होती है, ठीक है e पावर x आप फाइंड भी करके देख लें, या अगर आपको नहीं याद तो आप पिछला इंटीग्रेशन के पहले यानी कि तीन चैप्टर तीन एक्सरसाइज जो हमने पढ़ी हैं वो आप उसको रिपीट करें, ठीक है दोबारा से देखें तो आपको समझ आ जाएगी कि e पावर x की इंटीग्रेशन या एक्सपोनेंशियल्स की इंटीग्रेशन किसके इक्वल होती है या कैसे फाइंड की जाती है। ठीक है तो यहाँ पर मैं डायरेक्ट लिख रहा हूँ कि e पावर x ही होती है इंटीग्रेशन, उसके बाद क्या है, उसके बाद है माइनस का साइन, ये हमने माइनस का साइन डाल दिया और माइनस के साइन के बाद इंटीग्रल का साइन है, तो ये हमारा आ गया इंटीग्रल। अब इस इंटीग्रल के साइन के अंदर क्या है, इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड फंक्शन, इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड फंक्शन, सेकंड फंक्शन हमारे पास क्या है e पावर x है, तो इसकी इंटीग्रेशन e पावर x ही हो जाएगी, और फिर साथ में हमने मल्टीप्लाई क्या करना है, डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट फंक्शन, फर्स्ट फंक्शन x है उसका डेरिवेटिव 1 हो जाएगा इनटू 1, और फिर dx मौजूद है यहाँ पर, ये देखें ये dx है, तो ये मैं साथ में dx लिख रहा हूँ। ठीक है अगर मैं इसको मजीद आगे सिंप्लीफाई करूँ तो ये x है e रेस्ट पावर x, इस तरह से मैंने उतार लिया, माइनस इंटीग्रल का साइन चले डाल लेते हैं दोबारा से, तो e पावर x इंटू 1 इज e पावर x और साथ में dx, x e रेस्ट पावर x माइनस, अब ये देखें यहाँ पर क्या है, इंटीग्रेशन ऑफ e पावर x विद रिस्पेक्ट टू x, तो जो मैं पहले भी बता चुका हूँ कि e पावर x की इंटीग्रेशन विद रिस्पेक्ट टू x अगर आप फाइंड करें तो e पावर x ही होती है। ठीक है और साथ में हम प्लस c लिख देंगे क्योंकि हमने इंटीग्रेशन आप फाइंड कर ली है और इनडेफिनेट इंटीग्रल है, तो इसलिए प्लस c हमने ऐड कर दिया इसमें। तो ये हमने बाय पार्ट्स यूज़ करते हुए x e रेस्ट पावर x का इंटीग्रल फाइंड किया। ठीक है इसको हमने इंटीग्रेट किया। अच्छा ये तो चले एक सिंपल सा फंक्शन था तो उसको हम बाय पार्ट्स यूज़ करते हुए बहुत आसानी से हमने उसको इंटीग्रेट कर लिया, लेकिन अब ऐसा भी हो सकता है कि कुछ ऐसे फंक्शंस हों, ठीक है ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस कुछ ऐसे आ जाते हैं जो जिसमें कोई एक टेक्निकल पॉइंट आता है, ठीक है उस टेक्निकल पॉइंट को टेक्निकली हैंडल करना होता है, तो हम ऐसा करते हैं कि कोई एक एग्जांपल हम ले लेते हैं, उसको हम सॉल्व करते हैं बाय पार्ट्स यूज़ करते हुए, तो देखते हैं कहाँ पर कौन सा टेक्निकल पॉइंट आता है और उसको कैसे हम हैंडल करेंगे। सपोज हमारे पास फंक्शन है साइन पावर 4x, ठीक है ये हमारे पास एक फंक्शन है, इसको हमने इंटीग्रेट करना है विद रेस्पेक्ट टू एक्स, तो इंटीग्रेट करने के लिए सबसे पहले तो मैं करूँगा कि इंटीग्रल का साइन डालूंगा और किसकी रिस्पेक्ट से करना है वो मैं साथ लिख दूंगा dx, ठीक है साइन पावर x, साइन पावर 4x का इंटीग्रल विद रिस्पेक्ट टू x हमने फाइंड करना है। तो यहाँ पर अगर आप देखें तो ये तो एक ही फंक्शन है, हमने तो कहा था कि बाय पार्ट्स में दो फंक्शन होने चाहिए, तो हम ऐसा करते हैं कि इसको हम ऐसे लिख सकते हैं ना, मतलब कि साइन स्क्वायर x इंटू साइन स्क्वायर x ऐसे लिख सकते हैं, ठीक है और dx और इंटीग्रल का साइन उसी तरह से। अब यहाँ पर मैंने इस तरह से क्यों लिखा, मैंने साइन पावर 4 को डायरेक्टली क्यों नहीं इंटीग्रेट कर लिया, मुझे क्या यानी कि ज़्यादा शौक था कि मैं इसको दो फंक्शंस बनाऊँ और फिर बाय पार्ट्स अप्लाई करूँ, नहीं देखिए आप साइन पावर 4x को और किस तरह से इंटीग्रेट कर सकते हैं, मतलब है तो सिंगल फंक्शन लेकिन पावर 4 है तो इस पे पावर रूल तो अप्लाई हो नहीं सकता। पावर रूल क्या होता है, पावर रूल के लिए हमारे पास क्या होना चाहिए, साथ में यानी कि फंक्शन है और उसकी अगर पावर है, चले सपोज यहाँ पर 4 है तो यहाँ पर मैं 4 लिख देता हूँ, तो साथ में उसका क्या होना चाहिए, फंक्शन का डेरिवेटिव भी मौजूद होना चाहिए। जिस तरह से हम मैं एग्जांपल लेता हूँ कि x पावर 5 है तो उसका हम इंटीग्रल फाइंड करते हैं, साथ में हम कहते हैं कि 1 मौजूद है उसके साथ, ठीक है अगर आप इसके ऊपर मतलब कि इसका इंटीग्रेशन फाइंड करते हैं तो x पावर 6 ओवर 6 आता है, वो कैसे आता है, ये पावर रूल अप्लाई किया। पावर रूल क्यों अप्लाई किया, क्योंकि यहाँ पर फंक्शन x है उसके साथ उसका डेरिवेटिव x का मौजूद है, तब हम पावर रूल अप्लाई करते हैं, तो इस केस में तो हम अप्लाई नहीं कर सकते ना,
साइन पावर फोर एक्स की केस में, क्योंकि साइन पावर फोर एक्स अगर है साइन पावर फोर एक्स, ठीक है, तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं साइन एक्स की पावर फोर, साइन एक्स की पावर फोर। अब साथ में इसका डेरिवेटिव होना चाहिए यानी कि कॉज ऑफ एक्स होना चाहिए, कॉज ऑफ एक्स, तब जाके हम इसके ऊपर पावर रूल अप्लाई करेंगे। अगर हम इसकी इंटीग्रेशन फाइंड करें एक्स के रिस्पेक्ट से, तो तब हमारे पास आता है साइन पावर फाइव एक्स ओवर फाइव। लेकिन अब यहाँ पर इसका डेरिवेटिव मिसिंग है, ठीक है, इसलिए यहाँ पर पावर रूल अप्लाई नहीं कर सकते या कोई सब्स्टिट्यूशन यूज़ नहीं कर सकते यहाँ पर, ठीक है। सब्स्टिट्यूशन के लिए आपको पता है कौन कौन सी फॉर्म्स हैं, ठीक है, बहुत बार हमने पीछे भी रिपीट किए हैं लेक्चर्स में, ठीक है, और हमने पढ़ा भी है उसको डिटेल में, तो सब्स्टिट्यूशन भी यहाँ पर यूज़ नहीं हो रही। या फिर हम इसको और सिंप्लीफाई करके, तो सिंप्लीफाई मैं कर रहा हूँ, ठीक है, बाय पार्ट्स की फॉर्म में मैं लिख रहा हूँ। फिर पहले हमने क्या किया कि साइन पावर फोर एक्स को मैंने डिवाइड करके लिख लिया, मतलब कि साइंस के रेक्स इंटू साइंस के रेक्स, इस तरह से मैंने लिख लिया। चले अब इसको मजीद हम सिंप्लीफाई करते हैं, तो साइन स्क्वायर एक्स इंटू साइन स्क्वायर एक्स, एक साइन स्क्वायर एक्स, तो चले मैं इस तरह से लिख देता हूँ साइन स्क्वायर ऑफ एक्स, और दूसरे साइन स्क्वायर एक्स की जगह मैं क्या करता हूँ कि आपने पढ़ी थी यानी कि ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी पढ़ी थी, साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स इज इक्वल टू वन होता है। तो यहाँ से साइन स्क्वायर एक्स अगर मैंने फाइंड करना हो, साइन स्क्वायर एक्स किसके इक्वल आएगा, वन माइनस कॉस स्क्वायर एक्स, ठीक है, मैंने एक्स के ऊपर स्क्वायर डाल दिया जबकि कॉस के ऊपर स्क्वायर आता है, कॉस स्क्वायर एक्स। तो यहाँ से हम ये वाली जो है ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी यूज़ करेंगे, साइन स्क्वायर एक्स की जगह आप क्या यूज़ करेंगे, वन माइनस कॉस स्क्वायर ऑफ एक्स, और साथ में डी एक्स मौजूद है। अच्छा ये आ गया, उसके बाद क्या है कि अब हम ऐसा करते हैं कि इनको मल्टीप्लाई भी कर देते हैं, ये दो टर्म्स हैं इसके साथ मल्टीप्लाई हो रही है, तो ये बन जाएगा साइन स्क्वायर एक्स माइनस साइन स्क्वायर एक्स इंटू कॉस स्क्वायर एक्स, और इसका इंटीग्रल है और विद रिस्पेक्ट टू एक्स यानी कि डी एक्स साथ में आएगा। आगे मजीद क्या है, मैं इसको सॉल्व करूँगा कि देखें दो फंक्शंस हैं आपस में सब्ट्रैक्ट हो रहे हैं, तो उसका इंटीग्रल हमने फाइंड करना है, तो ऐसा है ना कि जब दो फंक्शंस ऐड या सब्ट्रैक्ट हो रहे हो और उसका हमने इंटीग्रल फाइंड करना हो, तो उसे हम क्या करते हैं कि अलहदा अलहदा उसको इंटीग्रेट कर लेते हैं, मतलब कि इंटीग्रेशन ऑफ साइन स्क्वायर एक्स हम लिख सकते हैं, ठीक है, यहाँ पर डी एक्स आ जाएगा माइनस इंटीग्रल ऑफ साइन स्क्वायर एक्स इंटू कॉस स्क्वायर एक्स डी एक्स। ये सब जो हैं साइन पावर फोर एक्स के इंटीग्रल के इक्वल है, तो यहाँ पे मैं लेफ्ट साइड पे साइन पावर फोर एक्स डी एक्स साथ में उसका इंटीग्रल यानी कि लिख देता हूँ साइन पावर फोर एक्स डी एक्स और उसका इंटीग्रल, यहाँ पे भी साइन पावर फोर एक्स डी एक्स और उसका इंटीग्रल, ठीक है। अब यहाँ पर देखें ये लेफ्ट साइड पे एक फंक्शन का इंटीग्रल था, अब यहाँ पर दो अलहदा अलहदा टर्म्स आ चुके हैं, दो अलहदा फंक्शन आ चुके हैं जिसके दरमियान माइनस साइन है, ठीक है, तो दो इंटीग्रल्स बन गए हैं, मतलब मेरा कहने का मतलब ये दो इंटीग्रल्स यहाँ पर बन चुके हैं। तो अब हम ऐसा करते हैं कि इसको अलहदा से इंटीग्रेट कर लेते हैं, ठीक है, और इसको अलहदा से इंटीग्रेट कर लेते हैं, ठीक है, बाद में इनका जो जो रिजल्ट आएंगे यहाँ पर हम पुट कर देंगे, या फिर हम ऐसा करें कि साइन स्क्वायर एक्स को हम पहले इंटीग्रेट कर लेते हैं, ठीक है, मैं चलें कलर भी चेंज कर लेते हैं साथ में, तो ये बनेगा साइन स्क्वायर एक्स, चलें हम इसको कह देते हैं ये इक्वेशन नंबर क्या है, वन है, इक्वेशन नंबर वन है। बाद में इसका इंटीग्रल फाइंड करके और इसका भी इंटीग्रल फाइंड करके इसी इक्वेशन वन में पुट कर देंगे, तो हमारे पास इंटीग्रल आ जाएगा साइन पावर फोर एक्स का, ठीक है, जिस जो हमने जो हमें रिक्वायर्ड है। अच्छा अब पहले हम फाइंड करना चाह रहे हैं साइन स्क्वायर ऑफ एक्स डी एक्स इसका इंटीग्रल, जो कि साइन स्क्वायर एक्स आपने ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी पहले भी हमने यूज़ की हुई है, जो कि आपको याद होनी चाहिए कि साइन स्क्वायर एक्स किसके इक्वल होता है, साइन स्क्वायर एक्स इज इक्वल टू, एक तो आइडेंटिटी ये भी है वन माइनस कॉस स्क्वायर एक्स, ठीक है, ये अगर मैं यहाँ पर यूज़ करूँ तो क्या होगा, वन माइनस कॉस स्क्वायर एक्स इसका इंटीग्रल डी एक्स, ठीक है, तो वन का चलें डी एक्स आ जाएगा माइनस कॉस स्क्वायर एक्स डी एक्स हो जाएगा,
दोबारा से कॉस स्क्वायर आ गया, तो दोबारा मैं कॉस स्क्वायर की जगह 1 साइन स्क्वायर यूज़ करूँ तो वो फिर साइन स्क्वायर बन जाएगा। मतलब कि हमें ये आइडेंटिटी यहाँ पर यूज़ करने का फ़ायदा नहीं होगा, तो हम ऐसा करते हैं कोई और आइडेंटिटी यूज़ करते हैं जिससे हमें यानी कि हमारा जो सिंप्लीफाई हो जाए, फंक्शन जो है वो सिंप्लीफाई हो जाए और हम उसका इंटीग्रेट आसानी से कर सकें, यानी कि जो आसानी से इंटीग्रेट हो सके। ठीक है, तो आइडेंटिटी मैं आपको रिवाइज कर देता हूँ, यानी कि याद दिला देता हूँ आपको कि एक आइडेंटिटी थी साइन स्क्वायर एक्स इज इक्वल टू 1 माइनस कॉस ऑफ 2x/2। इसके साथ साथ मैं एक और आइडेंटिटी भी आपको बता देता हूँ, अगर यहाँ पर कॉस स्क्वायर आ जाता तो आप क्या करेंगे, कॉस स्क्वायर एक्स इज इक्वल टू 1 प्लस कॉस ऑफ 2x/2 होता है। ठीक है, तो ये आइडेंटिटीज आपको याद होनी चाहिए, तो हम यहाँ पर जो है इंटीग्रेट करते हैं। पहले यहाँ पर मैं ये आइडेंटिटी यूज़ करता हूँ, ठीक है, साइन स्क्वायर एक्स की जगह क्या आ जाएगा, 1 माइनस कॉस ऑफ 2x/2 इसका इंटीग्रल, और साथ में dx आ जाएगा। अब यहाँ से देखें, साइन स्क्वायर एक्स डी एक्स इज इक्वल टू 1/2, 2 चले कॉन्स्टेंट है तो इसको हम बाहर ले आते हैं, 1/2 बाहर आ जाएगा और 1 माइनस कॉस ऑफ 2x और क्या है डी एक्स। ठीक है, तो 1/2 यहाँ पर ये आ गया। अब 1 अलहदा से और कॉस ऑफ 2x अलहदा से हम इनको इंटीग्रेट कर लेते हैं, तो ये बन जाएगा 1 dx-, अब ये 1/2 देखें इन दोनों के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है ना, 1 के साथ भी और कॉस ऑफ 2x के साथ भी, तो हम ऐसा करते हैं कि इसके साथ भी मैं लिखूंगा 1/2 और इंटीग्रल ऑफ कॉस ऑफ 2x/dx। ठीक है, तो अभी तक हम क्या कर रहे हैं कि साइन स्क्वेयर एक्स का इंटीग्रल फाइंड कर रहे हैं, साइन स्क्वेयर एक्स का, तो 1/2 ये आ गया और 1 का इंटीग्रल विद रिस्पेक्ट टू एक्स क्या होगा, एक्स ही आएगा। ठीक है, तो माइनस 1/2 और कॉस ऑफ 2x का क्या होगा, साइन ऑफ 2x, यानी कि साइन कॉस का साइन होता है ना, कॉस एक्स का इंटीग्रल क्या होता है, साइन एक्स होता है, लेकिन जब एक्स यानी कि एंगल जो है वो एक्स के अलावा हो तो हम डिवाइड करते हैं एंगल के डेरिवेटिव से। तो साइन ऑफ 2x पहले तो ये कॉस का जो है साइन मैंने लिख दिया, एंगल जो भी है वो मैंने साथ में लिख दिया, और अब डिवाइडेड बाय एंगल का डेरिवेटिव, एंगल क्या है 2x है, उसका डेरिवेटिव क्या होगा 2, और साथ में प्लस सी लिख देते हैं। तो मतलब कि हमारे पास साइन स्क्वेयर एक्स डी एक्स का इंटीग्रल इक्वल आ चुका है 1/2x-1/4 sin 2x +c। ठीक है, तो ये है हमारे पास साइन स्क्वेयर एक्स का इंटीग्रल, यानी कि ये हमने फाइंड कर लिया। अब हम फाइंड करने जा रहे हैं साइन स्क्वेयर एक्स कॉस स्क्वेयर एक्स का इंटीग्रल। ठीक है, चलिए आप कलर भी चेंज कर लेते हैं। साइन ऑफ स्क्वेयर एक्स इंटू कॉस स्क्वेयर एक्स इसका इंटीग्रल विद रिस्पेक्ट टू एक्स है तो डी एक्स साथ में आ जाएगा। चलिए अगर ये देखें, दो अब फंक्शंस हैं, ठीक है, आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं, साइन स्क्वेयर एक्स है एक कॉस स्क्वेयर एक्स है, दोनों आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं, तो हम इसके ऊपर बाई पार्ट अप्लाई करेंगे। चलिए बाई पार्ट अगर अप्लाई करके देखें, पहला फंक्शन उसी तरह से आ जाता है एज इट इज, चलें साइन स्क्वेयर एक्स मैंने लिख दिया, फर्स्ट फंक्शन एज इट इज आ गया, साथ में क्या है इंटीग्रल ऑफ सेकेंड फंक्शन कॉस स्क्वेयर एक्स ये आ जाएगा, कॉस स्क्वेयर एक्स माइनस इंटीग्रल साइन इंटीग्रल ऑफ कॉस स्क्वेयर एक्स, और साथ में पहले फंक्शन का डेरिवेटिव यानी कि ये आ जाएगा 2 sin x कॉस ऑफ एक्स। ठीक है, तो अब ये कुछ सॉल्व होता नजर नहीं आ रहा क्योंकि इंटीग्रल ऑफ कॉस स्क्वेयर बन गया। ठीक है, यहाँ पे कॉस स्क्वेयर का इंटीग्रल, इसका हमें अलहदा से इंटीग्रल फाइंड करना पड़ेगा जो कि आता है 1 प्लस कॉस ऑफ 2x/2, इसका इंटीग्रल फाइंड करना पड़ेगा। ठीक है, यहाँ पर भी, तो हम ऐसा करते हैं इसको थोड़ा और तरह से सिंप्लीफाई कर लेते हैं और फिर इसको हम इंटीग्रेट करते हैं ताकि हमें एक ही स्टेप में या कम स्टेप्स में हम इसको सॉल्व कर सकें। ठीक है, तो ऐसा करते हैं कि इसको इस तरह से हम लिख सकते हैं कि चले हम इक्वल की बजाय नीचे लिख लेते हैं कि कॉस ऑफ एक्स कॉस
cos of x into sin square x into cos of x. मतलब कि हमने cos square x को तोड़ के लिख लिया cos x into cos x, ठीक है. तो एक cos पहले मैंने डाल दिया, एक sin square के बाद मैंने डाल दिया. ठीक है, इसका फायदा क्या होगा अभी आपको ये समझ आ जाएगी जब हम by parts apply करेंगे. चलिए by parts अब apply करते हैं. cos, अगर आप इसको first function, आप किसको consider करना है? फर्स्ट फंक्शन हमने आप कॉज ऑफ एक्स को कंसीडर करना है, फर्स्ट फंक्शन. और सेकंड फंक्शन आपने कंसीडर करना है साइन स्क्वायर एक्स इनटू कॉज एक्स को, सेकंड फंक्शन. ठीक है, तो अब हम इस पे बाय पार्ट्स अप्लाई करते हैं. बाय पार्ट्स अप्लाई करेंगे तो क्या आएगा, कॉज ऑफ एक्स पहला फंक्शन एज इट इज कॉज एक्स इनटू सेकंड फंक्शन का इंटीग्रेशन. ठीक है, सेकंड फंक्शन क्या है, साइन स्क्वायर एक्स इंटू कॉज एक्स. सेकंड फंक्शन है जी साइन स्क्वायर एक्स या साइन ऑफ एक्स का स्क्वायर इंटू कॉज ऑफ एक्स, वो किसके इक्वल आएगा. देखें पहला फंक्शन और साथ उसका डेरिवेटिव मौजूद है, साइन एक्स का कॉज एक्स होता है ना, जो कि इक्वल आएगा. फिर पावर लग जाएगा साइन क्यूब ऑफ एक्स डिवाइडेड बाई थ्री. ठीक है, तो ये हमारे पास आ जाएगा इसका. ये मैं यहाँ से रब कर देता हूँ, डायरेक्ट मैं यहाँ पर लिख देता हूँ. तो ये इसकी इंटीग्रेशन, यानी कि इंटीग्रेशन आ जाएगी सेकंड फंक्शन की. इंटीग्रेशन क्या आएगी, साइन ऑफ साइन क्यूब ऑफ एक्स डिवाइडेड बाय थ्री. अच्छा, उसके बाद क्या है, माइनस साइन, फिर इंटीग्रल साइन. ठीक है, सेकंड फंक्शन का इंटीग्रेशन यही आएगी साइन क्यूब ऑफ एक्स डिवाइडेड बाय थ्री. और फर्स्ट फंक्शन का डेरिवेटिव, कॉस ऑफ एक्स का डेरिवेटिव क्या होता है, माइनस साइन ऑफ एक्स. अब इसको आगे हम मजीद सॉल्व करते हैं. ये कॉज ऑफ एक्स इसी तरह से, ठीक है, और ये वन बाई थ्री चले कॉन्स्टेंट है तो इसको हम शुरू में ले आते हैं वन बाई थ्री. और यहाँ से कॉज ऑफ एक्स हमने लिख लिया, साथ में क्या आ जाएगा, साइन क्यूब ऑफ एक्स, साइन क्यूब ऑफ एक्स माइनस इंटीग्रल साइन. और वन बाई थ्री हम बाहर कॉन्स्टेंट है तो इंटीग्रल साइन से बाहर ले आते हैं. ठीक है, तो ये यहाँ पर आ जाएगा, बल्कि ये माइनस साइन बाहर आएगा तो ये पॉजिटिव हो जाएगा. ठीक है, और साइन क्यूब ऑफ एक्स इंटू साइन एक्स क्या होता है, साइन पावर फोर एक्स, साइन पावर फोर एक्स और साथ में डी एक्स है. साइन पावर फोर एक्स अब हमारे पास आ चुका है. तो आप देखें हमारे पास क्वेश्चन क्या था, क्वेश्चन में गिवन फंक्शन क्या था, क्वेश्चन में गिवन फंक्शन था साइन पावर फोर एक्स. ठीक है, साइन पावर फोर जिसकी हम इंटीग्रेशन फाइंड करना चाह रहे थे, जिसको हमने इंटीग्रेट कर रहे थे, वही फंक्शन हमारे पास बाय पार्ट सप्लाई किया तो हमारे पास यहाँ आ गया. मतलब इंटीग्रल फाइंड करते करते दोबारा से वही फंक्शन बन गया. ठीक है, तो ये था टेक्निकल पॉइंट. अब इसको हमने हैंडल कैसे करना है वो हम देखते हैं. कि चलिए पहले तो हम लिखते हैं कि ये किसके इक्वल है, कॉज ऑफ एक्स, या फिर हम इसे कह सकते हैं कि साइन स्क्वायर एक्स इंटू कॉस स्क्वायर एक्स, साइन स्क्वायर एक्स इंटू कॉस स्क्वायर एक्स का इंटीग्रल हम फाइंड कर रहे थे जो कि इसके इक्वल है. तो ऐसा करते हैं कि यहाँ पर इस लेक्चर को ख़त्म करते हैं, नेक्स्ट लेक्चर में इसको कवर कर लेते हैं यहाँ पर, क्योंकि लेक्चर का टाइम जो है वो ख़त्म हो गया. तो हम इसको आगे कंप्लीट कर लेंगे नेक्स्ट लेक्चर में.